हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, ज्वेलरी हैक्स। क्योंकि मुझे लगता है हर लेडी, हर लड़की जो है इससे रिलेट कर पाती होगी। ज्वेलरी हम सबको रियल लाइफ में बहुत पसंद होते हैं। रियल लाइफ और रील लाइफ, मतलब कोई भी लाइफ हो, चाहे रियल लाइफ में आप देखते हो अपने एक्ट्रेसेस को, टीवी सीरियल्स को, वो सब जो है ज्वेलरी जंकी होती हैं और सब जो है ज्वेलरीज के साथ फ्लॉन्ट करती हैं। बट रियल लाइफ में आप इतनी सारी ज्वेलरीज पर तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो मैं आज आपको कुछ अमेजिंग सी ज्वेलरी हैक्स बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप अपने बजट में जो है ना कई ज्वेलरीज बना सकते हैं। हर बार नए नए तरीके से अपनी ज्वेलरी को पहन सकते हैं और लोगों को लगेगा कि आपने नई नई ज्वेलरीज पर इन्वेस्ट कर रहे हो आप। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो मेरा ये जो फर्स्ट हैक है वो आपकी कोई भी जो ये वाली इयररिंग्स होती है, लूप इयररिंग्स, तो ये काफ़ी पतली होती है। तो इसके साथ में एक सेकंड इयररिंग्स को अटैच करके मैं एक अच्छा सा न्यू इयररिंग स्टाइल बनाऊंगी। और जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी शो करके, लाइक दिस। ये देखिए, मैंने अपनी लूप इयरिंग के साथ जस्ट उसके बगल में एक छोटी सी इयरिंग्स को अटैच किया है। ये बहुत प्रिटी लगता है। मैं इस तरीके से कई इयरिंग्स को अटैच करती हूँ। आप छोटी झुमकीज को अटैच कर सकते हो। ये देखिए, मल्टी लेयर झुमकी है, इनको भी मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। और ये मत सोचिए ना कि कान का होल इतना बड़ा तो है नहीं, तो कैसे जाएगा। यू नो, मेरे कान, मतलब मुझे लगता है कि मेरे कानों में जल्दी कोई चीज़ नहीं जाती है। लेकिन ये यू नो, जो ये लूप इयरिंग्स होती है ना, काफ़ी पतली होती है, तो उससे काफ़ी स्पेस बचता है कि आप दूसरी कोई भी इयरिंग्स को उसके साथ जो है ऐड कर सकें। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, आप सब कर सकते हो। और ये बहुत ही अमेजिंग है कि एक आपके इयरिंग्स को एक नया, मतलब, लुक मिल जाता है और बहुत प्रिटी लगता है। ये देखिए, उन्हें झुमके के साथ अटैच कर लिया, ये बहुत प्यारा लगता है और एकदम नया लुक क्रिएट हो जाता है, आपका नया इयररिंग्स बन के रेडी हो जाता है। तो गाइज, ये थी मेरी फर्स्ट हैक, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड हैक की ओर। सो गाइज, जो सेकंड हैक है वो ये है कि अगर आपके पास इस तरीके की नेकलेस हो जो कि चंकी ज्वेलरी है, बहुत इजीली हर जगह मिल जाती है, तो आप इसको एज अ मांग टीका स्टाइल कर सकते हो। अगर आप इसका पेंडेंट बड़ा है तो बहुत प्रेटी लगता है। ये आजकल ट्रेंड में डबल लेयरिंग वाली जो है मांग टीका चल रही है, तो काफ़ी ट्रेंड है इन दिनों। तो देखिए, इस तरीके का नेकलेस हो अगर आपके पास, ये डबल लेयरिंग है और फ्रंट पे झुमकी स्टाइल में है, तो इसको भी आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत प्यारा लगता है। आप इसको बस बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लें, बिल्कुल भी नहीं हिलता डुलता। लेकिन अगर आगे भी आप सिक्योर करना चाहते हैं, आप डबल टेप की हेल्प से या सेलो टेप को ना जस्ट फोल्ड करके इसको आप सिक्योर कर सकते हैं, तो ये आगे से भी बिल्कुल नहीं हिलेगा डुलेगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई नेकलेस हो या कोई चेन हो जिसके पास, जिसकी लंबी पेंडेंट हो, तो लॉकेट हो, तो बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, तो आप बड़ी लुक वाला मांग टीका इससे क्रिएट कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ जस्ट बॉबी पिन से पीछे सिक्योर करके। ओके, नाउ थर्ड हैक इज, तो ये मेरी इयररिंग्स का देखिए निकल गया है, तो मैं इसको फेंकने के बजाय यूज़ करती हूँ। कैसे? अपने ब्लाउजेस में अटैच करके या अपने कुर्ती के स्लीव्स में अटैच करके या फिर अपने टॉप्स के फ्रंट में इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेती हूँ और ये बहुत प्रिटी लगता है। देखिए इस तरीके से, ये मेरे पास दो पेयरिंग है क्योंकि इयररिंग्स का है, तो मेरा इजीली जो है अगर मैं टॉप पे लगाती हूँ तो एक और स्लीव पे लगाती हूँ तो दोनों पे लगा लेती हूँ। और इसी तरह की मेरे पास एक और इयररिंग्स की नहीं, साड़ी पिन की जो है वो निकल गई थी, उसको भी मैं यूज़ करती हूँ ऐसे टॉप पे अपना जो है, उसको स्टाइल बहुत अच्छा स्टाइल बन जाता है। मैं आपको जो है पिक लगा के दिखा दूँगी। और इसको भी आप एज अ मांग टीका समटाइम स्टाइल कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है।
और इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट इसको आप साइड में भी ना ऐसा करके लगा लोगे तो ये भी बहुत प्यारा लगता है उस तरीके से। और ये देखिए मेरे पास एक इस तरीके का लॉकेट है, इससे भी आप मांग टीका बना सकते हो छोटा सा। आई डोंट रिमेम्बर कि इसको आप क्या कहते हैं, बट इसको आप साइड में भी इस तरीके से पिनअप करिए तो ये बहुत प्यारा सा यू नो मुस्लिम ब्राइड वाला लुक देता है। साथ ही मेरे पास पिककॉक वाली, ये भी मेरी साड़ी पिन की जो है वो निकल गई थी, तो इसको भी मैं अपने किसी ब्लाउज में जो है वो फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके अटैच करने वाली हूँ। तो इस तरीके से अगर आपका भी कोई टूट जाता है, इसको मैं एज अ पेंडेंट भी पहन लेती हूँ अपने सिंपल सी चैन में डाल के एज अ लॉकेट, बहुत प्रिटी लगता है ये। तो आपका भी अगर इयररिंग्स या नेकलेस कुछ निकल जाता है तो उसको इस तरीके से आप यूज़ करें। नाउ द नेक्स्ट हैक इज ये देखिए, इस तरीके की मोतियों की माला आपके पास होगी। अगर नहीं है तो आप इसको अपने लोकल स्टोर से ले सकते हैं बहुत इजीली और बहुत सस्ते दामों में ये मिल जाता है, लेकिन ये वन ऑफ द अमेजिंग ज्वेलरी है। इससे आप बहुत सारे हैक्स कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ कि ये देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, मतलब ठीक है मैंने इसको कट कर दिया बीच से, बीच से नहीं किनारे से। तो इसको मैं एज अ कमर कमर पेटी पहनती हूँ, यानी कि आप इसको क्या कहते हैं कर्दनी टाइप में, तो बहुत अच्छा लगता है कमरबंद जैसे साड़ी या लहंगा पे। तो ये जो वाइट धागा है ना इसको मैं बांध लेती हूँ और ये कपड़ों से छुप जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं भी आपको इमेज शेयर कर देती हूँ, आप देखिएगा। तो मैं इसको एज अ स्टाइल में करके जो है अपनी कमर कर्दनी बना के पहनती हूँ। और साथ ही आप इसका ब्रेसलेट भी बना सकते हैं, ब्रेसलेट भी बहुत प्यारा लगता है, आपके एलिगेंस लुक को थोड़ा स्टाइलिश बना देगा। थोड़ा लूज चाहिए तो इस तरीके से आप बना सकते हो, थोड़ा टाइट चाहिए तो फिर आप बीच से कट करके इसको टाइट कर सकते हो। और ये गिरता नहीं है, सबसे अमेजिंग बात यह कि मैं इसके धागे को कस करके बांध देती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं खुल रहा है वैसे तो ये खुल जाते हैं इजीली, तो मैं इसके धागे को कट कर देती हूँ और अगेन जब मुझे दोबारा पहनना होता है तो मैं इसमें धागे जोड़ देती हूँ। थर्ड वन इसकी मैं इसको एज अ हेयर बैंड भी अप्लाई कर सकती हूँ, और आप अपने जूड़ा बना करके ना बालों पर भी इसको अच्छे से एक्सेसराइज कर सकते हो। तो हेयर बैंड मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत स्टाइलिश लुक क्रिएट हो जाता है इंस्टेंटली। इसको बस मैंने सेफ्टी सॉरी बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया दोनों ईयर्स के पास, और ये देखिए एकदम क्यूट सा हेयर बैंड मेरा रेडी है। आप इस तरीके से स्टाइल करके किसी भी पार्टी में यू नो न्यू स्टाइल से जा सकते हैं। तो कैसे लगी ये मेरी हैक्स आप मुझे श्योरली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही इसको बहुत तरीके से आप एक्सेसराइज कर सकते हो बालों के लिए, लाइक आप अपने बालों में गजरा की बजाय इससे भी स्टाइलिंग कर सकते हो। साथ ही इसको माथा पट्टी की तरफ फ्रंट में और इसमें भी जो है ना आप एक बड़ा सा कोई आपके पास इयररिंग्स हो उसमें फंसा करके आप इसको ऐसा मांग टीका भी बना सकते हो, वो भी बहुत प्रिटी लगता है इस तरीके से। ये देखिए और पीछे से धागा बांध लूँगी, और अगर मैंने सिंपल वाला लिया है तो उसको मैं बॉबी पिन से सिक्योर कर लूँगी। मेरे पास इस तरह के दो तीन माला हैं तो मैं इसको एज अ चोकर भी पहनती हूँ, तो मैंने अपने तीज लुक बुक में पहना था इसे एज अ चोकर बना करके, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप इसको पायल बना के भी पहन सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। चोकर बनाया था मैंने इसे तो दो राउंड में टर्न करके, मैं आपको पिक शेयर कर देती हूँ, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। ये देखिए मैं आपको शो कर देती हूँ इमेज इस तरीके से मैंने चोकर बना करके इसको पहना था, और ये कितना प्रिटी लगता है ये देखिए आप।
आप चाहो तो पीछे किसी टिकटॉक पिन की हेल्प से सिक्योर कर लो, या फिर मैंने तो धागे से इसको बांध लिया था। सो गाइज, आप अपने चोकर में ना पीछे से एक कलरफुल सा रिबन बना करके बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, और रिबन से अच्छे से बांध के पीछे से बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। तो सेकंड में बता रही थी कि मांग टीका आप इसको बना सकते हो, तो जो चैन वाली इयरिंग्स रहती है ना, जिसको हम सिंपल कानों में डालते हैं, उसके साथ आप इसको मैचिंग करके बहुत अच्छा सा मांग टीका बना सकते हैं। आजकल ये मल्टी लेयरिंग वाली जो है ना बहुत चली है, तो इसको आप पीछे से और आगे से इयरिंग्स को ऐड करके बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और अगर बड़े लॉकेट का आपके पास कोई पेंडेंट है या इयरिंग्स में अगर गैपिंग है, तो उसको अंदर डाल के भी आप इजीली बना सकते हैं। तो वैसे आप चाहें तो रबर बैंड की हेल्प से इसको पीछे से सिक्योर कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप इसको किसी बड़ी इयरिंग्स के साथ मैचअप करेंगे और प्रिटी लगेगा। मैंने आपको छोटी इयरिंग्स के साथ दिखाया है, स्पेशली ऐसी वाली इयरिंग्स चाहिए जिसको कि आप फंसा सको, तो इस तरीके की, जिस तरीके की भी आपको चाहिए लुक, स्मॉल, मीडियम, बड़ा, छोटा, उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर स्टाइल कर लो मिडिल पार्टीशन में, और आपका एक बहुत बढ़िया सा जो है बन जाता है मांग टीका डबल लेयरिंग। क्योंकि आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में देखा होगा, जहाँ की बहुत रिच ज्वेलरी का ट्रेडिशन है, क्योंकि मारवाड़ी फैमिली का शो है, तो बहुत ही रिच लुक देता है। इस तरीके से आप अपना जो है बना सकते हैं DIY मांग टीका, और बिल्कुल नहीं लगता है कि ये आपने बनाया हुआ आर्टिफिशियल। और रही बात मोतियों की माला की, तो बहुत कम खर्चे में आपको मार्केट में बहुत अच्छी वैरायटीज में अवेलेबल हो जाएगी। तो और ये बिल्कुल भी गिरती नहीं है, मैं तो इसको ऐसे ही पकड़ रही हूँ। आप पीछे से पिन अप कर लो, चाहो तो यहाँ से आप डबल टेप की वजह हेल्प से इसको सिक्योर कर सकते हो, अदरवाइज ये कहीं जाएगी नहीं, और नहीं तो फिर एक छोटे पिन आती है, या अगर इस तरीके की छोटी सी पिन आती है जिसकी हेल्प से आप जो है इसको सिक्योर कर सकते हो अंदर से, और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है। और बट आई डोंट थिंक सो कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप सिर्फ जो है टेप की हेल्प से इसको थोड़ा सा टाई अप कर लीजिए और पीछे एक बड़ा सा क्लिप लगा लीजिए इस तरीके से, और बस आपका सेट हो गया। आप देखिए, मैं इसे काफ़ी देर से लगाई हूँ और बिना पिन, बस पीछे मैंने पिन लगाया हुआ, आगे कोई पिन नहीं लगाया हुआ, और ये सिक्योर है 100%, बहुत प्रिटी लग रहा है। साथ ही दूसरा ज्वेलरी है कि जिसमें कि आप दो इयररिंग्स को एक साथ जोड़ करके और बड़ा और स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप जानते ही होंगे करना। तो मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर देती हूँ जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। मोतियों की माला है, इनके साथ भी आप वैसा ही स्टाइल क्रिएट कर सकते हो मांग टीका का, बहुत ही प्रिटी लगता है। और रही बात मैं आपको बता रही थी दो इयरिंग्स बनानी थी, तो ये देखिए मैंने बना लिया। और साथ ही आप जो है ये जो आपकी लूप इयरिंग्स है, इसको आप अपने पेंडेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक बड़ी चैन में उसको अंदर डाल लें, और वो भी बहुत प्रिटी लुक देता है, थोड़ा सा फंकी और यूनिक सा लुक देता है, बहुत प्यारा लगता है, और एक आपका नया स्टेटमेंट इयरिंग्स और नेकलेस बन के रेडी हो जाता है। सो आई होप कि वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहेगी, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।